हेलो एवरीवन। और अभी आज है ट्यूसडे, मंगलवार, और अभी का ब्लॉग मैं अब से शुरू करने जा रही हूँ। शाम का बज गया बज गया बज गया, जी हाँ 7:30। मैंने अभी दिया जलाया और चाय बना के भी पी ली, और जी हाँ मैंने चाय अकेले पिया क्योंकि आप लोग थे नहीं, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, वो चले गए ऑफिस, तो फिर चाय तो मैंने पिया। तो मैंने चाय पी लिया और आज 5 दिन के बाद जो है बहुत तेज बारिश हो रहा था आज 5 दिन से। आज बारिश छूट गया है लेकिन मौसम ऐसा किया है, स्वेटर पहनने वाला इतना ठंडा लग रहा है कि पंखा भी देखिए मेरा बंद है, अभी नहीं चला रहे। बिना पंखे का भी हम एक स्वेटर एक कंबल ओढ़ के सो सकते हैं, ऐसा मौसम किया है। तो ऐसे मौसम में आज मेरा मन कर रहा है मोमोज खाने का, और मेरे हस्बैंड है नहीं, वो चले गए हैं ऑफिस, तो कोई लाने वाला भी नहीं है। और मन ऐसा हो रहा है ना कि बस मिल जाए मुझे, बस खाना है खाना है। और ये मेरा मन डेली करता नहीं, बट आज ऐसे मौसम में ना पागल हो गया है तो उसको तो मनाना पड़ेगा। तो मैं हूँ अकेले अभी घर में, मेरे हस्बैंड आएंगे रात को ऑफिस से, तब तक के लिए मैंने सोचा कि चल के और लाते हैं, और जो भी मन करना खा लेना चाहिए। मैं तो वैसा नहीं करती, मैं ऐसे आप लोगों को बता रही हूँ, मैं ऐसी लड़की हूँ या औरत हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन करता है कि मुझे खाना है लेकिन सोच सोच के कैंसिल हो जाता है। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है, आज मुझे खाना है तो खाना है और उसके बदले मुझे जाके लाना है, तभी ना खाऊंगी। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, जो भी मन करे जब भी मन करे बस खा लीजिए। और मुझे ना अकेले मार्केट जाना घूमना ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे घर में रहना घर के काम करना ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इसका मतलब कारण यही है कि मैं बाहर जाके कुछ खरीद के नहीं खा सकती हूँ। मैं अगर कभी कुछ खरीदूँ तो घर पे ही आके मुझे खाना है, मैं मार्केट में नहीं खा पाती हूँ। तो चलिए फिर दिखाते हैं मैंने क्या किया अभी। और ये मैंने बनाया था चाय, और इस चाय की पत्ती को मैंने धो लिया है 3-4 पानी, और इसको चलिए मैं फूल में डालूंगी, उसके बाद मैं जाती हूँ फिर मोमोज लेके आती हूँ। और मैं दिखा रही हूँ अपना फूल, आप लोगों को दिखेगा, हाँ ये दिख रहा है। इधर अंधेरा हो गया इसी की वजह से, और ये है मेरी तुलसी और एक ये छोटा सा पौधा, मैं यहाँ बीच में नीचे बैठ गई हूँ। तो मैंने डाल दिया चाय की पत्ती, जो भी है उससे अच्छा सा खाद हो जाता है जिससे मेरा फूल खिलता रहता है। और अब चलते हैं, और मैं लेके आ गई मोमोज। देखिए ऐसा पागलपंती किसी को देखा है आपने? पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। और मैं गई थी तो मैं ब्रेड भी लेके आई और उसके पास चेंज नहीं था, तो ये मैगी भी दिया उसने। मैंने कहा चलो मैगी रहेगा तो काम कर जाएगा घर में, क्योंकि कभी ना कभी तो काम आता ही रहता है। तो ये रहा मोमोज, चटनी, और ये जो मैं लेके आई हूँ अभी अभी मैं इसको रखूंगी, और इधर ये मेरा फोन। तो जब आ ही गया है तो फिर देर किस बात की, चलिए फिर खाया जाए। मस्त बना है, एक शॉप वाली है लेडीज चलाती है, हम उसके पास से ही खाते हैं, वो इतना अच्छा बनाती है ना, बहुत टेस्टी।
मैं खा रही हूँ ये, तब तक आप लोग, जो मैं मेला घूमने गई थी उसका वीडियो मैंने बनाया, आप लोग मेला एंजॉय कीजिए, तब तक मैं ये खा के और आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस 10 के पैकेट। ये थे श्याम कटारिया जो जोशी आप बीच इस क्लास में मुकाबले कर रहे थे इस डुएट सॉन्ग के साथ। तो ये को जो सामने आ रही है विशाली इस क्लास में अभी आप बीच देख रहे हैं, जिसे गायक किशोर दा ने और की कसम बच्चे दा की कंपोजिशन है सारी फिल्म में। अरे कैसी फिल्म जिसका एक एक गीत अलग अलग फ्लेवर का अलग अलग Yeah.
मैंने तो खा लिया खाना, अब मैं दे रही हूँ मछली रानी को भी, खा ले देखिए कैसे कुदर रही है। और मैंने कंप्लीट कर लिया अपना मोमोज, और आप लोगों ने जो अभी मेला देखा है वो मेला लगभग यहाँ 1.5 महीने से लगा था। जी हाँ, ये मेला लगा था आई थिंक 10 अगस्त, 10 अगस्त से लगा था, और ये अभी जाके खत्म हुआ है मतलब 20 सितंबर, पूरा पूरा 1.5 महीना। और 1.5 महीना ये मेला पहले लगा सावन से लेके रक्षाबंधन के लिए, फिर जन्माष्टमी आ गया, फिर उसके बाद आता ही गया आता ही गया, उसके बाद ये हम लोग का तीज आ गया, तीज के बाद ये गणेश चतुर्थी आ गया, तो उसके लिए लगा ही रह गया। और रक्षाबंधन के दिन इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये मेला इसलिए रुक गया कि पहले बिका नहीं, और उस दिन जब खत्म होने वाला था उस दिन उसे बहुत सारे कस्टमर मिल गया इसके वजह से। और ये मेला डेली नहीं, साल में 2 बार जरूर लगता है, बहुत बड़ा कंपाउंड है उसमें ये लगता है, और एक बार अभी लग गया और एक बार जनवरी में लगेगा। अब दीपावली के टाइम तो मुझे नहीं लगता है कि आएगा, लेकिन जनवरी में आता है, पिछले बार भी आया था। और मेरा तो हो गया पेट पूजा, और बच्चे मेरे हस्बैंड जी तो वो खाना लेके गए हैं आज, तो इसलिए मुझे बनाने का कोई टेंशन नहीं है, तो मेरा डिनर हो गया कैंसिल। और अब मैं देखूंगी बिग बॉस, बिग बॉस मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है, पिछली बार का भी मैंने एक भी एपिसोड मिस नहीं किया था। मैं गांव चली गई थी फिर भी मैं कंप्यूटर में ऑनलाइन देखती रहती थी, और इस बार तो जल्दी खत्म हो जाएगा, पिछली बार शुरू भी हुआ था लेट से, और बिग बॉस देखेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को आज बहुत ही क्लियर बताना चाहती हूँ, चाहे पूछना भी चाहती हूँ आप लोगों से, कि जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, यदि कोई पहली बार देख रहा है तो उसके लिए भी, अगर कोई बार बार देखता है उसके लिए भी है, कि जो लोग भी मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज आप उसको कंप्लीटली पूरा देखिए, ताकि आपको पता तो चले कि वीडियो के अंदर क्या छुपा हुआ है, उसके अंदर और भी मैंने क्या-क्या बातें बोली हैं, क्या-क्या चीजें आपको बताया है। और अगर आपको सही लग रहा है तब भी कमेंट करिए, मुझे बताइए। अगर कोई चीज ऐसा है कि खराब है, मैंने गलत बोल दिया है, गलत आप लोगों को बताया है, तब भी आप कमेंट कीजिए। तब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या गलत है, क्या मैं सही वीडियो बना रही हूँ या नहीं बना रही हूँ। ये सारी बातें मुझे तभी पता चलेगा जब आप लोग कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे। कुछ मत लिखिए, थोड़ा सा एक वर्ड ही कुछ लिख दीजिए, एंड नो, कुछ नहीं, गुड, ऐसा कोई मतलब छोटा छोटा एक वर्ड लिख के फिर मुझे बता दीजिए, उसे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपका कमेंट ही ऐसा है जो हमें मोटिवेट करेगा, हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करेगा। जब तक कमेंट नहीं आता है तो हमारा भी मन में हजार तरह का क्वेश्चन रहता है, सही नहीं बना, गलत बना, कैसा बना, कैसे बना, क्योंकि हम बना के हम खुद ही देखेंगे तो हर किसी को तो अपना चीज अच्छा ही लगता है ना। जब तक दूसरे वाला बंदा ना बोले कि वो सही है गलत है, तब तक कैसे पता चलेगा। तो प्लीज मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उसे पूरा देखिए, आप लोग कमेंट कीजिए और मुझे सजेशन कीजिए, क्योंकि कोई भी मुझे बाकी किसी का नहीं पता है कि मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ। हर इंसान से कोई ना कोई गलती हो जाता है, और किसी से हो ना हो मेरे से जरूर होता है, तो अगर कोई गलती होता है उसके लिए भी आप लोग बताइए, अच्छा होता है वो भी चीज बताइए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं आप लोगों के कितने करीब हूँ, और आप लोग तो मेरे करीब बहुत बहुत मेरे दिल के करीब है। तो ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट आप लोग जरूर फॉलो कीजिए, जरूर मानिए और जरूर मुझे बताइए, मेरे लिए प्लीज मेरे लिए कीजिए। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, पास का बेल का आइकन है आप उसे भी दबा लीजिए, और अगर अच्छा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं मिलती हूँ अभी 10 मिनट के बाद आप लोगों से। तो मैंने यहाँ पे कर लिया अपना फेस वॉश और रात के बज गए 11। अब मैंने बिग बॉस देखा, उसके बाद कौन बनेगा करोड़पति देखा, ये दोनों सीरियल जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्लस ये हो गया है मेरा किचन की सफाई, जो मैंने बर्तन वर्तन भी धो दिया है, जो मैं सुबह धोना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। और मैं हमेशा रात को सोने से पहले जो है अपना सिलेंडर का स्विच ऑफ करके सोती हूँ, और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि रात को स्विच ऑन ना रखें। और ये मैंने लाइट ऑफ, और आज का ब्लॉग ये यहीं पे खत्म हो रहा है। डेली तो आप लोग मुझे कुछ ना कुछ बनाते हुए देखते थे, कभी लंच कभी डिनर कभी ब्रेकफास्ट कभी कुछ। डिनर का तो मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि डिनर ऐसे ही हमारा होता है, हस्बैंड का कोई टाइम टेबल ही नहीं होता है ऑफिस का, तो इसलिए हमारा डिनर का कोई टाइम नहीं होता है। और अब मैं जा रही हूँ सोने, तो चलिए दिखा देती हूँ पहले मैं आप लोगों को बाहर का मौसम। और देखिए ये पूरा सोसाइटी जो है एकदम से शांत हो गया है, बिल्कुल अंधेरा कोई नहीं। जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे तब तक, अभी मैंने सिर्फ फेस वॉश किया है, मैंने कुछ लगाया नहीं, तो मैं लगा लेती हूँ एलोवेरा जेल। मैं डेली रात को सोने से पहले इसको लगा के सोती हूँ। अच्छा क्रीम है, अब फाइनली मैं आ गई बेड पे, और जब हस्बैंड आएंगे फिर मुझे उठना पड़ेगा उस टाइम। और फिर मैं आप लोगों से एक बार फिर यही बोलना चाहूँगी कि जो लोग भी नए हैं मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो पास का बेल का आइकन है आप उसे भी दबा लीजिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी मैं वीडियो डालूँ और आप उसे सबसे पहले देख सकें। और तो गाइस अभी ये वीडियो यहीं पे खत्म हो रहा है, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।